हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज को मेरा नया ब्लॉग बन रहा है। देखिए मशरूम हम लोग लेके आए हैं जंगल से और आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए मशरूम, इसको क्या मशरूम बोला जाता है? इसको पोरब बोला जाता है हम लोगों का भाषा से। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या बोलते हैं इसको। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है और कितना अच्छा अम्ब्रेला जैसे खिला हुआ है, छत्ता जैसे मतलब खिला हुआ है। ये देखिए इसका डंडी कितना लंबा है, देख सकते हैं कितना लंबा है, लकड़ी की जैसा लंबा है और सब में ही लंबा है। लेकिन इसमें ही पकाने वाले हैं। उतार दिए हैं कोयला से, अभी जो लकड़ी सब बचा है उससे धुआं निकल रहा है। ये सब लकड़ी सब को हटा दिए और अंदर में जो लकड़ी का राख बन गया है उसी से ही कोयला उभर के निकल। देखिए हो गया हम लोगों का साफ करना और एक बार साफ करेंगे अच्छा से। एक बार पानी में भिगो के निकाल के साफ कर रहे हैं और एक बार हम लोग अच्छा से उसको और एक बार साफ करेंगे और छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे। तो पिटने वाला ही है तो नहीं ना, है तो पिटता ही है हर कोई बिना पीट के ही हो जाएगा थोड़ा इतना। देखिए दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हम लोगों का मशरूम मतलब अभी टुकड़ा टुकड़ा में ये कर दिए हैं, छोटा कर दिए हैं, अभी सब भी हो। ये देखिए हम लोग का कोयला जलाने में टाइम लग रहा है थोड़ा, मतलब या और क्या बोलते हैं, खुला से हम लोग हवा दे रहे हैं, ये जल्दी कोयला उभर के निकले। कढ़ाई सब भी हम लोग रखे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करें कितना कोयला भी हम लोग को उभर के निकल गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए अभी कढ़ाई बैठाए हैं और देख सकते हैं आधा हम लोग छिल चुके हैं। ये देखिए लहसुन प्याज का पेस्ट बनाए हैं, सिलूड़ी में बांटे हैं और अभी हम लोग का कोयला भी उभर के निकल गया है। अब इसको डालने जा रहे हैं। अभी दोस्तों इसको ढक देना है, अभी निकल गया है।
मिर्चा, कश्मीर मिर्चा, फिर हल्दी, फिर मसाला, सब्जी मसाला सब मिक्स किए हैं हम लोग इसमें। ये आप लोग देख रहे जीरा सब कुछ। ये देखिए कटोरा में सरसों तेल है, पहले से हम लोग डाल के रखे हैं। और ये मशरूम से बहुत पानी निकलता है। नमक डाल रहे हैं, नहीं आते नहीं क्यों नहीं है ना। चलो ये सुन ले क्या।
क्या सब्जी? मशरूम मशरूम परो मशरूम मेला मशरूम ये मशरूम है मशरूम क्या चीज़